स्टूडेंट्स, आज हम BBA 6M की सब्जेक्ट इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में शुरू हुई थी विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़, और इसे हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। RBI 1949 में नेशनलाइज हुई। शुरुआत में इसका हेड ऑफिस कैलकटा में था, जो बाद में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया इन द ईयर 1937। स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 20 डायरेक्टर्स होते हैं। इसमें गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 10 nominate directors nominated by the government, 4 directors to represent the headquarters at Mumbai, Kolkata, Chennai and New Delhi. इनका appointment या nomination period 4 years के लिए किया जाता है। RBI का head office मुंबई में है और इसकी 24 regional offices हैं, जो लगभग हर एक state की capital में हैं। Preamble, इसका प्रीएम्बल है टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू ऑफ सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। इसका काम होता है बैंक नोट्स को इशू करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंडिया में मेंटेन करके रखना बाय मेंटेनिंग प्रॉपर रिजर्व्स, और करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को भी इंडिया के लिए प्रॉपरली मैनेज करना, ताकि इसे सबसे ज़्यादा इंडिया को सबसे ज़्यादा भरपूर एडवांटेज इससे मिल सके। मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू, इसे कहा जाता है। रिजर्व बैंक के पास सोल राइट्स होते हैं टू इशू 1 रुपी नोट्स और स्मॉल कॉइन्स इन दी कंट्री एज एन एजेंट फॉर दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में 1 रुपये के नोट और स्मॉल कॉइन्स को इशू कर सकती है। इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो इशू ऑफ करेंसी नोट्स करता है। इस RBI मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें लगभग 55% गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। RBI का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बैंकर टू दी गवर्नमेंट। RBI बैंकर गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करती है, उसके लिए एजेंट और एडवाइज़र का काम करती है, ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। नए लोन्स को फ्लोट करना और उनके पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ को लोन्स और एडवांसेस भी एक्सटेंड करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स बैंक या लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। रिजर्व बैंक की ये जिम्मेदारी है कि वो सारे शेड्यूल बैंक्स के अकाउंट्स को मैनेज करें। फिर इसके बाद शेड्यूल बैंक्स को रिजर्व बैंक के पास रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एक फिक्स परसेंटेज में होते हैं ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। बैंक्स की ये जिम्मेदारी भी ये होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि जब भी कमर्शियल बैंक्स किसी प्रॉब्लम में होंगी या क्राइसिस को फेस करेंगी, तो उस समय उनके रेस्क्यू के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगी। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश रिजर्व्स मेंटेन करती है फ्रॉम ऑल द शेड्यूल बैंक्स। हर वीक फ्राइडे को रिजर्व्स कैश रिजर्व्स को अपडेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्रेडिट ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स को रेगुलेट करना और उनको मैनेज करना, और कितनी क्वांटिटीज़ में कैश क्रेडिट डिसबर्समेंट किया जाएगा, ये भी देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये पावर के पास ही पावर होती है कि ये बैंक एक बैंक को या पूरे बैंकिंग सिस्टम को किसी को भी क्रेडिट एक्सटेंड करने से रोक सके।
बैंक्स को फंक्शन करने के लिए एज अ बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस ऑब्टेन करना होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ये कंट्रोल होता है कि वो जब अगर बैंक्स अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं या उसके सेट गाइडलाइंस को अबाइड नहीं कर रही हैं तो उनकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। हर एक बैंक को वीकली रिटर्न्स ऑफ नेट एसेट्स डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की डिटेल्स फर्निश करनी होती हैं टू द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कस्टीडियन होती है फॉरेन रिजर्व्स की। RBI रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ IMF है, ये IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से ये मेंटेन करें। RBI इज द रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, सारी इंटरनेशनल करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इसी के पास रहते हैं। RBI ऑब्जर्व्स रिलेशनशिप ऑफ इंडियन करेंसी विद द अदर इंटरनेशनल करेंसी। इंडियन करेंसी किस तरीके से बिहेव कर रही है फॉरेन करेंसीज के रिलेशन में, उसे कंट्रोल करने का काम भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अगर कई बार अगर करेंसी में बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन देखने को मिलता है इन कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, तो उसे भी रेगुलेट करने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। प्रमोशनल फंक्शन, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आज बैंक्स एंड फाइनेंसिंग एजेंसीज टू प्रमोट रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को प्रमोट करने का काम भी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे प्रमोट करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं, जिसमें सबसे पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1962, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1972, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन 1963। RBI विलेजर्स को लोन सप्लाई करने और उनके सेविंग्स को प्रमोट करने का काम भी करती है। थैंक यू।